कि 35 अरब डॉलर की तवानाई का पोर्टफोलियो है। उस 35 अरब डॉलर में तकरीबन 11 अरब डॉलर से ज्यादा सिंध के लिए है और 9 अरब डॉलर दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान के लिए है। अगर सिंध और बलूचिस्तान का उसमें प्रिंसिपल शेयर है जबकि पंजाब का 10% आबादी है तो वो कह सकता है कि जी हमारा इसमें सबसे ज्यादा शेयर होना चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह जो हमारा पीएसडीपी है, जो तरक्याती बजट है, उसमें भी अगर आप पंजाब का शेयर देखें तो बाकी तीनों सूबों से वो कम है, जबकि पंजाब की 51-52% आबादी है। और हमने जो तरक्की का एक प्रोग्राम चलाया जो विजन 2025 में है, उसमें ये बात शामिल है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि वो इलाके जो पसमानदा हैं उनकी तरक्की को तेज किया जाए ताकि मुल्क के अंदर तरक्की की नाहमवारी खत्म हो सके। इस वक्त केपी में, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वेस्टर्न रूट के ऊपर ही 70 साल से गवादर और कोयटा के दरमियान कोई जमीनी लिंक नहीं था। अगर आपने कोयटा से गवादर जाना होता तो कम अज कम 2 दिन का सफर था। अब 2 सालों के अंदर 650 किलोमीटर की सड़क हमने मुकम्मल की है जिससे गवादर से कोयटा का सफर 8-8.5 घंटे का हो गया। और जिस